हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरला अमिता। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कस्टर्ड केक की रेसिपी, जो बहुत डिलीशियस बनती है और आसानी से घर में बन जाती है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 कटोरी मैदा लिया है, फिर 1/4 कटोरी कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप उसके बाद 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है, और उसको अच्छे से छान के एक बाउल में ले लिया है। मिक्सिंग बाउल में मैंने अच्छे से छान के उसको साइड में रख दिया है। तो छानने के बाद मैं एक दूसरा बाउल लूँगी, उसमें मैंने डाली है पिसी हुई चीनी 1/2 कटोरी, फिर 1/2 कटोरी तेल लिया है, फिर उसको अच्छे से मिक्स किया है। जब तक मिक्स किया है, जब तक कि जो हमारी चीनी है वो तेल में अच्छे से मिक्स ना हो जाए, तो ऐसे चलाते फेंटते हुए उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने डाला है इसमें लगभग 1/2 कटोरी दूध, जो कि रूम टेम्परेचर पे था, और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक बार ये मिक्स हो गया है, उसके बाद मैंने इसमें अच्छे से फेंटना है जब तक कि थोड़ा बबल्स सा फॉर्म ना हो जाए। तो बस फेंट के मैंने साइड में रख दिया, और अब मैंने कुकर चढ़ा दिया। मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कुकर था, थोड़ा सा बड़ा कुकर था, तो मैंने उसमें नमक डाल दिया। ये जो नमक मैंने यूज़ किया, ये मैं हर बार यूज़ करती हूँ, इसलिए थोड़ा सा रेत जैसा इसका टेक्सचर है, बट ये नमक यूज़ कर रहा है मैंने, जो हर बार मैं सेम यूज़ कर लेती हूँ, एक डब्बे में भर के रख देती हूँ। उस पर मैंने स्टैंड रख के उसको प्री हो हीट होने रख दिया है 10 मिनट के लिए। अब मैंने ये एक सोलार कुकर का, मेरे पास टिन का ऐसे राउंड शेप का एक डब्बा था, जिसमें मैंने ऑयल से इसको ग्रीसिंग कर दिया। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है, बेकिंग पेपर नहीं है, तो आप तेल लगा लें और पूरे डब्बे को अच्छे से तेल से आप उसको ग्रीस कर लें, और फिर उसके बाद इसको आप मैदा से डस्ट कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो केक है बेस वो जलेगा नहीं और आसानी से निकल जाएगा। तो इससे आप डस्ट कर लीजिए, और इसी प्रकार से पूरे डब्बे को कवर करके अच्छे से डस्ट कर लीजिए, और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको आप निकाल के साइड में झड़ा दीजिए बस। तो हमारा जो टिन है केक का वो रेडी है। अगर आपका मोल्ड नहीं है, तो आप इस प्रकार से कोई भी डब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एलुमिनियम यूज़ किया है, जिससे आसानी से केक निकल जाता है। उसके बाद हमने जो 2 मिश्रण तैयार किए थे, जो लिक्विड मिश्रण है वो हमें पाउडर वाले में डालते हुए अच्छे से एक बैटर फ्लोई कंसिस्टेंसी का प्रिपेयर करना है। तो धीरे धीरे करके डालना है, एकदम से बिल्कुल नहीं डालना है, धीरे धीरे हल्के हाथों से चलाना है, और जो हमारा आटा है या फिर जो पाउडर वाला मिश्रण है उसको धीरे धीरे चलाते हुए उसमें लिक्विड वाला मिश्रण डालते हुए एक बैटर तैयार करना है। अब इस स्टेज पे आप देख लीजिए, अगर आपको दूध ज़्यादा लगता है तो आप अलग से थोड़ा सा दूध डाल लें। 1 कटोरी लगभग दूध लग गया था, और थोड़ा 19-20 हो सकता है। तो बस आपको ये हल्के हाथों से चलाते जाना है, जब तक कि आपके पास एकदम रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार ना हो जाए। तो दूध आप अपने हिसाब से धीरे धीरे करके डालेंगे, चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। हल्के हल्के हाथों से चलाना है, और जब तक चलाना है इसको, जब तक कि ये एक फ्लोई कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। तो हमारा एक केक का बैटर तैयार है, और आप देख सकते हैं ये रिबन कंसिस्टेंसी का बन गया है। तो इस स्टेज पे मेरे पास जो टूटी फ्रूटी थी, उसको मैंने मैदा से अच्छे से डस्ट कर लिया था, और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, जिसमें कि जो हम टूटी फ्रूटी डालेंगे ये नीचे सेटल नहीं होगी, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी और सब कहीं इसका टेस्ट आएगा। तो ये इसलिए हमने किया था मैदा से इसको, जिसमें ये नीचे सेटल ना हो। और बस हमारा जो केक का हमने टिन प्रिपेयर किया था मोल्ड, उसमें हम ये बैटर डाल देंगे, और डालने के बाद आपको ध्यान होगा मैंने कुकर को 10 मिनट प्री हीट होने रख दिया था 10 मिनट के लिए। अब मैं उसे खोल के ये जो है ये स्टैंड पे रख दूंगी। तो ये बहुत सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि जो हमारा कुकर है वो बहुत गर्म रहेगा। तो अगर आपके पास ग्लव्स हैं या फिर आपके पास कपड़े से, आप अपने हाथ को प्रोटेक्ट कर लीजिए, और उस टीन को, बॉक्स को, मोल्ड को आप है ना कुकर में रख के गैस कुकर का लिड बंद कर दीजिए, और कम से कम 30 से 45 मिनट तक कुक करें। अगर आपका जो नाइफ है वो क्लीन निकल आता है 30 मिनट्स के बाद, तो मतलब आपका जो केक है वो रेडी है, और अगर नहीं तो आप उसको 45 मिनट तक कुक कर सकते हैं। अच्छे से बेक होने दीजिए, और आपका कस्टर्ड केक तैयार है। होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।